हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना के पापड़। ये पापड़ बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। इन साबूदाना पापड़ को व्रत में भी खाया जा सकता है और एक बार बनाकर रख देंगे तो लंबे समय तक इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो इन्हें बनाकर एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और जब भी इन्हें खाना हो तो झटपट से इन्हें फ्राई कर लें। तो चलिए बनाते हैं एक कप साबूदाना से ढेर सारे पापड़। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के साबूदाना लिए हैं। आप छोटे या बड़े कोई भी साबूदाना पापड़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले साबूदाना में पानी डालकर इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। तो बस एक दो बार इस तरह से हल्के हाथों से धोते हुए हम इनका पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद अब खिले खिले साबूदाना भिगोने के लिए जितना आप साबूदाना ले रहे हैं उतना ही आप इसमें पानी डाल दें। तो एक कप साबूदाना के लिए मैंने एक कप पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्योंकि हम इसे पापड़ ही बनाएंगे तो पानी ज़्यादा भी रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन साबूदाना को 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट सोक करने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि साबूदाना काफ़ी अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं रहा है। तो आप यदि खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह से साबूदाना भिगो सकते हैं, तो साबूदाना काफ़ी खिले खिले बनते हैं और ये देखिए इजीली मैश भी हो रहे हैं। तो यदि कम पानी डालेंगे तो साबूदाना में पानी की कमी रह जाएगी तो वो हार्ड ही रह जाएंगे, और पानी यदि पूरा लेंगे तो वो अच्छे से खिले खिले भी बनेंगे, पानी भी ज़्यादा नहीं रहेगा और वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट भी रहेंगे। तो अब इन साबूदाना को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब साबूदाना को भिगोने से पहले हमने जितना साबूदाना लिया था उसी कप को मेज़र करके हम इसमें पानी डाल देंगे। तो एक कप हमने साबूदाना लिया था तो 7 कप हम पानी डाल देंगे। इसमें पानी काफ़ी सारा जाएगा क्योंकि हमें इसका घोल बनाना है। तो अब इन साबूदाना को हम पकाने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं, और अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है तो ये नीचे पैंदे में भी नहीं बैठता है। तो बीच बीच में आप ऐसे ही चलाते रहें इसे। बस ध्यान रखना है कि जो साबूदाना होता है उसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है तो साबूदाना नीचे पैंदे में बैठने लगता है, तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो 15 से 20 मिनट में जो ये साबूदाना है वो हल्के होकर धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। तो देखिए कैसे ये हल्के होकर ऊपर आने लगे हैं। और जब शुरुआत में हमने साबूदाना डाला था तो वो एकदम मोती के जैसे सफ़ेद था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। तो जितने भी आप पापड़ बना रहे हों, चाहे चावल के, सूजी के, साबूदाना के पापड़ बनाने में सबसे ज़्यादा आसान होते हैं और ये खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो साबूदाना है वो कैसे ऊपर आ गए हैं। देखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे साबूदाना ऊपर तैरने लगे हैं। तो ये देखिए कैसे ऊपर आने लगे हैं और इनका जो कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो बस हम इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। अभी पूरे साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें और पका लेते हैं। अभी इस घोल को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन जब ये साबूदाना का घोल रूम टेम्परेचर पर आएगा यानी थोड़ा ठंडा होगा तो ये काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा और जितने भी साबूदाना हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो वो इजीली पानी में घुल भी जाएंगे और उसी स्टार्च की वजह से पानी है वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी जो घोल बनेगा पापड़ का वो भी गाढ़ा हो जाएगा। तो पानी की कमी इनमें बिल्कुल ना रहने दें। तो अब साबूदाना है वो काफ़ी अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, तो अभी इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि पानी गर्म है तो बचे हुए साबूदाना इसी में अच्छे से पक जाएंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो जब घोल ठंडा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सारे साबूदाना कैसे एकदम घोल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो आप चाहे तो यदि आपको ऊपर साबूदाना देखने में अच्छा लगता है इस तरह का तो ऐसे भी पापड़ बना सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँगी इस साबूदाना के घोल को एक ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट बना लूँगी इसका। तो आधा घोल मैं ग्राइंडर जार में भी डाल देती हूँ और इसे ऐसे ही पेस्ट में बना लेते हैं यानी ग्राइंड कर लेते हैं।
तो इसे एक समान बढ़िया से पापड़ बनेंगे और ये पापड़ उन साबुदाना पापड़ के बजाय थोड़े से जल्दी भी सूखते हैं। तो दो बार में मैंने ये साबुदाना का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर। तो नॉर्मली साबुदाना के पापड़ को हम व्रत में भी खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक और जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। अजवाइन पसंद हो तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर साबुदाना पापड़ में नमक और जीरा का फ्लेवर ही सबसे अच्छा आता है। तो बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप घोल की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ये इस तरह की होनी चाहिए। और सपोज बैटर बनाते समय आपका घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है इस स्टेज पर, तो आप इसमें गर्म पानी करके ऐड कर लें थोड़ा और अच्छे से मिक्स कर लें, तो जो घोल की कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है साबुदाना पापड़ के लिए, ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो साबुदाना पापड़ का घोल तैयार है, तो अब हम इसे पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि यदि आप एक से शेप रखना चाहते हैं तो इस तरह चूड़ियों से पापड़ बना सकते हैं। और जिस पर भी आप पापड़ बनाएं, यदि प्लास्टिक शीट ले रहे हैं तो उसे ग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप कोई थाली वगैरह इस्तेमाल करें स्टील की तो उसे पहले तेल से ग्रीस करें और फिर उन पर पापड़ बनाएं। यदि ऐसे ही आप पापड़ बना देंगे तो फिर क्या होगा, वो पापड़ थाली में ही चिपक जाएंगे, उतरेंगे नहीं। तो ये स्टेप आप बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैंने एक वॉलपेपर की शीट ली है जो ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चिकनी है, तो मुझे इस पर तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चूड़ियों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर हम सारे पापड़ तैयार कर लेंगे। और एक कप साबुदाने से काफ़ी सारे पापड़ बन भी जाते हैं और इनकी जो साइज है वो चूड़ियों की वजह से एकदम परफेक्ट आएगी। यदि आप बड़े साबुदाना पापड़ बनाना चाहते हैं तो घोल को ऐसे भी फैला सकते हैं, या मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगी। तो आप देख सकते हैं इतने पापड़ मैंने बना लिए हैं और आधा घोल अभी भी बच गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इस तरह के ढक्कन ले लेंगे जो किसी भी डब्बे के ऊपर आते हैं, जैसे रसगुल्ला तेल या घी वगैरह के जो डब्बे आते हैं उनके ऊपर इस तरह के ढक्कन भी आते हैं, या कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं जिस साइज के आप साबुदाना के पापड़ बनाना चाहते हैं। तो इस ढक्कन को हम क्या करेंगे, एक चूड़ी की शेप देंगे। तो चूड़ी की शेप देने के लिए एक चाकू को गर्म करें और गर्म करके इसे ऐसे तिरछा कट कर लें, तो बीच का हिस्सा अलग हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा और एक रिंग तैयार हो जाएगी। उस रिंग में हम घोल डालकर फिर पापड़ तैयार कर लेंगे। तो इससे ये जो पापड़ बनेंगे वो साइज में थोड़े बड़े भी हो जाएंगे। तो यदि आपके पास चूड़ी वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी जो अनयूजफुल ढक्कन हो उससे पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये ढक्कन प्लास्टिक का है तो बहुत ही आसानी से चाकू को गर्म करने पर यह कट जाता है। और ये रिंग हमने तैयार कर ली है, इस रिंग से मैंने इस तरह काफ़ी सारे पापड़ बनाकर और तैयार कर लिए हैं। अब इन पापड़ को हम 3-4 दिन के लिए अच्छे से धूप दिखा देंगे। यदि आप इसे छांव में भी सुखाना चाहते हैं तो छांव में भी सूख जाएंगे, पंखे के नीचे आप इन्हें सुखा सकते हैं, बस फिर वो सूखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अच्छी धूप होगी तो 2-3 दिन में ही ये काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। पापड़ सूखने के बाद ये कुछ पापड़ मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब आप इन्हें फ्राई करें तो ऐसे थोड़ा प्रेस कर दें ताकि पापड़ थोड़े सीधे हो जाएं, क्योंकि जब हम इन्हें धूप दिखाते हैं तो पापड़ थोड़े उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो बस इन्हें फ्राई करते समय थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये सीधे ही रह जाएंगे। पापड़ को फ्राई करते समय तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और जैसे ही इन्हें डालें ये तुरंत ही फूल जाना चाहिए। यदि आप कम गर्म तेल में पापड़ को फ्राई करेंगे तो जो साबुदाना के पापड़ होते हैं वो काफ़ी सारा तेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही खस्ता साबुदाना के पापड़ बनकर तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से साबुदाना के पापड़ ज़रूर बनाएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।